शिवपुरी मंत्री सिसोदिया का कड़ा एक्शन, रिश्वतखोरी के आरोप में कोलारस तहसीलदार सस्पेंड। शिवपुरी जिले में रविवार को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहां कोलारस तहसीलदार ज्योति लचकार पर अवैध उत्खनन के मामले में रिश्वतखोरी की शिकायत मिलने पर प्रभारी मंत्री ने तहसीलदार को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने अवैध उत्खनन रोकने का संकल्प लिया है और वह अपने संकल्प पर कायम है। अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। यह मामला कोलारस के खुरई रोड पर रहने वाले विक्रम राजावत ने कोलारस तहसीलदार ज्योति लचकार पर मुरम से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ने के एवज में 30,000 रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। विक्रम ने इस मामले में पेट्रोल पंप सहित बाजार के सीसी फुटेज भी उपलब्ध कराए थे, जिसमें तहसीलदार का वाहन और मुरम से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित ने इसकी शिकायत कोलारस एसडीएम सहित बीजेपी नेता हरिओम रघुवंशी को दर्ज कराई थी, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। बीजेपी नेता हरिओम रघुवंशी ने इसकी शिकायत प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से की, जिसके बाद मंत्री ने कोलारस तहसीलदार को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने तहसीलदार रिश्वतखोरी मामले की जाँच सक्षम अधिकारी से कराने की बात भी कही है। कोलारस तहसीलदार का एक मामला सामने आया है, ऑडियो वायरल हुआ है, इस पे आपने क्या प्रतिक्रिया? अभी मेरी जानकारी में लोगों ने लाया है, ऑडियो भी मैंने सुना है और अखबारों में भी चर्चा में आया है और भी मैंने जानकारी ली है, तो तहसीलदार का आचरण उचित नहीं है और जो प्रारंभिक रूप से जांच प्रभावित ना हो इसलिए मैं उनको निलंबित करता हूं और निलंबित करके उसकी जांच किसी सक्षम अधिकारी से की जाएगी। दूसरी बात ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने जो संकल्प लिया था अवैध उत्खनन रोकने का उसमें मैं आज भी कायम हूं। बस फर्क इतना है कि मेरी जानकारी में आप देते रहिएगा और कार्रवाई जारी रहेगी। पूरा प्रशासन और हम लोग सब ये संकल्प है हमारा कि उत्खनन ना हो और शिवपुरी में जो रेत का जो धंधा चल रहा है अवैध, इस पे अंकुश लगाया जाए। शिवपुरी में अवैध कॉलोनियों का एक मामला सामने आया है, वो भी मैंने निर्देश दिया है और उस पर भी एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है।